प्यारे बच्चों, मेरा आज का टॉपिक जमात 8वीं अध्याय 9वां बीजगणितिक व्यंजक अते तत्समक भाव अलजबरिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज बारे है। सो बच्चों, असीं आज दे अध्याय विच अभ्यास 9.3 नाल संबंधित उदाहरणां करनियां हन, जिस विच एक पदी नूं बहुपदियां नाल गुणा करना है। इस दे अगे दो सब टॉपिक हन, एक पदी नूं दो पदी नाल गुणा करना ते एक पदी नूं तीन पदियां नाल गुणा करना। सो बच्चो, उदाहरणा करन तो पहला मैं तुहानूं बीजगणितक व्यंजक अते तत्समक दी जानकारी देवांगी। जिवें कि बच्चो, तुसीं पिछली श्रेणियां विच सरल व्यंजकां बारे चंगी तरह पढ़िया है, जिवें कि सरल अलजबरी व्यंजकां दीआं मैं कोई उदाहरणा लैंदी हाँ, एक्स माइनस पांच जां 22 जमा 9। सो तुसीं सरल समीकरणां दे अध्याय विच वी व्यंजकां दी पहचान करनी सीखी है। जे बच्चो, एक्स माइनस पांच नूं जीरो बराबर रखिए, 22 जमा 9 नूं जीरो बराबर रखिए, तां इह सरल समीकरण बन जांदे हन। इहनां विच एक्स माइनस पांच ते 22 जमा 9 व्यंजक हन। इसी तरह बच्चों, तुसीं 6वीं क्लास विच वी इह वेख्या है कि व्यंजक किवें बुझारतां अते समस्यावां नूं हल करन विच सहायक हुंदे हन। सो बच्चो, व्यंजक बीजगणित दा मुख आधार हन। सो आओ हुण असीं इह वेखीए कि व्यंजक किवें बणदे हन। व्यंजक किवें बणदे हन? जिवें कि बच्चों, तुसीं पिछलियां श्रेणियों विच जिवें कि पिछलियां श्रेणियों का थोड़ा जिहा रिवाइज करिए, तुसीं पहला पढ़िया है कि चल भाव वेरिएबल की हुंदे हन। चलां नूं लिखण लई असीं एक्स वाई ए वी आदि अंग्रेजी दे अक्षरां का प्रयोग करते हाँ। सो चल दे अनेक ही मुल होंदे हन, भाव इन्हां दा मुल निश्चित नहीं हुंदा। सो बेटा, जे असीं इस दे उल्ट अचल दी गल करिए, अचल दे मुल निश्चित हुंदे हन। जिवें कि चार संख्या है, चार दा मुल चार है, कोई संख्या 100 है, इसका मुल 100 है, कोई संख्या 200 है, इसका मुल 200 है। सो बच्चो, चल अते अचल दे मेल तो व्यंजक बनते हैं, ते इन्हां नूं जोड़न दे लई जोड़ घटाओ गुणा भाग वर्गियां क्रियावां का प्रयोग करते हाँ। सो आओ एक व्यंजक की उदाहरण लईए, जिवें कि 4x जमा 5 है। इस व्यंजक विच x की है चल है, 5 अचल है। ये किवें बनिया? 4 नूं x नाल गुणा कीती, इस दे गुणफल विच 5 नूं जोड़िया। इसी तरह होर अनेक ही व्यंजक बनाए जा सकते हैं। सो बच्चो, व्यंजक असी किवें प्राप्त करते हैं? व्यंजकां जां चलां नूं अपने आप विच जोड़ना, जां व्यंजकां ते चलां नूं होर व्यंजकां ते चलां विच जोड़न नाल नवां व्यंजक प्राप्त हुंदा है। नेक्स्ट है बेटा, पर गुणनखंड अते गुणाक। जिवें कि बच्चों, ये कंसैप्ट क्लीयर करन दे लई असीं किसे व्यंजक दी उदाहरण लईए। जिवें कि असीं कोई व्यंजक 4x लैंदे हां, ते इसदे पद किन्ने है?
ठीक है, ते चार एक्स ते गुणनखंड कितने हो सकते हैं, चार ते एक्स दो गुणनखंड। इसी तरह एक असी होर एग्जाम्पल लईए, चार एक्स स्क्वायर जमा दो एक्स वाई, इथे पदों की संख्या कितनी है, पहला पद दूसरा पद दो है। जे गुणखंडा की गल करिए, पहले पद के गुणखंड एक, एक्स स्क्वायर के दो पद हो सकते हैं चार एक्स एक्स, इस तरह ही दो एक्स वाई दे तीन, दो एक्स वाई, यानी कि पहले पद के गुणखंड तीन ते दूसरे पद के गुणखंड भी तीन। कोई होर एग्जाम्पल लईए, एक्स का घात तीन जमा दो एक्स वाई जमा एक्स वाई, सो इतने पदों की संख्या कितनी है, एक दो तीन, ते एक्स क्यूब के गुणखंड किन्ने हो सकते हैं तीन, एक्स एक्स एक्स, दूसरे पद के गुणखंड एक दो ते एक्स ते एक वाई, तीसरे पद के गुणखंड एक्स ते वाई। नेक्स्ट है बेटा गुणांक, जे हम गुणांक की गल करिए, गुणांक पदा के गुणांक उन्होंने संख्यात्मक गुणखंड होंगे, संख्यात्मक गुणखंड होंगे। जिमें कि बच्चे कोई आप एग्जाम्पल लीए, जिमें कि पांच एक्स वाई है, इतने एक्स वाई का गुणांक कितना है पांच। कोई होर एग्जाम्पल लईए, पांच एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है पांच। जिस तरह बच्चों एक पदी दो पदी ते तीन पदी की गल की है, वह व्यंजक जिस विच एक पद हुंदा है एक पदी व्यंजन अखवांदा है, वह व्यंजक जिस विच दो पद हुंदे हैं दो पदी व्यंजक अखवांदा है, ते वह व्यंजक जिस विच तीन पद हुंदे हैं तीन पदी व्यंजक अखवांदा है। सो बच्चों जे असी बहुपद की गल करिए, एक जा एक तो बाद पदों वाले व्यंजक जिस विच पदों के गुणांक सिफर ना हो, चदा की घात ऋणात्मक ना हो, बहुपद अखवाते हैं। बहुपति असी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिमें कि एक या एक तो बहुत पदों वाले व्यंजक एग्जाम्पल असी कोई भी ले सकते हैं, जिमें कि चार एक्स स्क्वायर है जमा पांच एक्स वाई है,
जवाब दस लै लो तो कोई भी एग्जाम्पल ले जा सकती है। सो लास्ट वन है बेटा तत्समक। जो हरेक चल रही सच है जिमें कि बेटा अलजबरे का कोई भी फार्मूला ले लिए असी जिमें कि तत्समक फार्मूला ए जमा बी का वर्ग कादे बराबर होंदा ए स्क्वायर जमा दो ए बी जमा बी स्क्वायर। सो बेटा एक तत्समक ए अते बी दे हरेक मुल ले सच है। जे असी ए दा मुल एक लईए बी दा मुल दो लईए ते इस फार्मूले विच असी पहला खब्बा पासा लईए ते ए दी कीमत एक पुट करिए बी दी कीमत दो पुट करिए देखो कितना आंसर आंदा ए दा एक ते बी दी कीमत दो उपर की है वर्ग है एक जमा दो तीन दा वर्ग तीन दी घात दो इट मीनस तीन नू दो बार गुणा कितना आ गया नौ। सो सज्जा पासा देखो ए स्क्वायर जमा दो ए बी जमा बी स्क्वायर ए दी कीमत एक रखो जमा दो गुणा ए दी कीमत एक बी दी दो जमा बी दी कीमत दो ए दा वर्ग एक दा वर्ग है एक जमा दो गुणा एक गुणा दो चार दो दी घात दो चार। सो बेटा एक जमा चार नौ मीन्स खब्बा पासा कादे बराबर है सज्जे पासे। सो बेटा ए जबरे का फार्मूला तत्समक है। इसे तरीके नाल बाकी फार्मूले भी सारे तत्समक हैं ए ते बी दे कीमत ले। सो बच्चे हुण असी नौ पांच तीन दे आस नाल रिलेटेड उदाहरण करांगे। एग्जाम्पल है बच्चे एक पदी नू दो पदी नाल गुणा करना दो पदी नाल गुणा करना तुहाडे किताब दे 152 सफे ते पहली उदाहरण है तीन एक्स नू पांच वाई जमा दो नाल गुणा करो जिमें कि इस उदाहरण विच तीन एक्स अते पांच वाई जमा दो संख्यावां नूं दर्शाउंदे हन। इस लई वंडकारी दे नियम दा उपयोग करदे हां सो तीन एक्स गुणा पांच वाई जमा दो। सो तीन एक्स रकम नूं पहला पहले पद नाल गुणा करनी फिर तीन एक्स नूं फिर दूसरे पद नाल तीन एक्स गुणा पांच वाई
अगे प्लस का निशान फिर ते नेक्स्ट गुणा दो फिर अंकों की गुणा तीन गुणा पांच की गुणा पंद्रह फिर चलां की एक्स ते वाई जमा फिर तीन ते दो की गुणा छे ते चल एक्स पंद्रह एक्स वाई जमा छे एक्स आंसर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस तीन एक्स माइनस पांच वाई जमा दो दा गुणफल पता करो। सो बेटा ये सवाल पहले सवाल वर्गा ही है, इस सवाल विच भी माइनस तीन एक्स माइनस पांच वाई जमा दो संख्यावां दर्शाते हैं। इसलिए बंटकारी के नियम का उपयोग करते हैं। तीन एक्स गुणा ब्रैक शुरू माइनस पांच वाई जमा दो। सो इसे तरीके ना तीन एक्स पहला पहले पद ना गुणा फिर तीन एक्स दूसरे पद ना गुणा तीन एक्स गुणा माइनस पांच वाई जमा ना निशान माइनस तीन एक्स गुणा दो। सो बेटा गुणा करने वेले माइनस माइनस की होंदा प्लस तीन पांच ना गुणा की पंद्रह एक्स वाई जमा माइनस गुणा करने वेले माइनस तीन दो ना गुणा की छे एक्स। सो आंसर कितना आया पंद्रह एक्स वाई माइनस छे एक्स। सो जिवें कि असी आम गणना भी करते हैं एक कंसैप्ट आम गणना तो लिया गया जिमें कि फॉर एग्जाम्पल सत्त गुणा एक सौ दो की गुणा करनी हो फिर सत्त गुणा एक सौ दो आप लिख सकते सौ जमा दो सत्त पहला सौ नाल गुणा जमा का निशान सत्त दो नाल गुणा सत्त गुणा सौ जमा सत्त गुणा दो सत्त सौ जमा सत्त दो नाल गुणा चौदह। सो कि आया बेटा सत्त सौ चौदह। एक होर एग्जाम्पल आप जो लीए सत्त अठत्ती गुणा करिए इतने अठत्ती आप लिख सकते चाली माइनस दो सत्त गुणा चाली माइनस सत्त गुणा दो सत्त गुणा चाली दो सौ अस्सी माइनस सत्त दो ना गुणा की चौदह। सो दो सौ अस्सी चौदह चौदह घटा के दो सौ छियाठ आंसर आया। सो बेटा एक पदी ने दो पदी ने गुणा की सी वह कंसैप्ट आम गणना तो लिया गया। सो एक सौ तिरवंजा सफे के उदाहरण हैं गुणफल पता करो। फर्स्ट पार्ट है दो एक्स ब्रैक शुरू तीन एक्स जमा पांच एक्स वाई। सो इसे तरह ही दो एक्स पहला पहले पद ना गुणा फिर दो एक्स दूसरे पद ना गुणा दो एक्स गुणा तीन एक्स जमा का निशान फिर दो एक्स दूसरे पद ना गुणा दो एक्स गुणा पांच एक्स वाई।
इस तरह ही दो ते तीन की गुणा छे एक्स 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 स्क्वायर जमा दो ते पांच की गुणा दस एक्स ते एक्स है एक्स स्क्वायर वाई क्योंकि आधार बराबर हैं शक्तियां जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है सेकंड पार्ट ए स्क्वायर ब्रैकेट शुरू दो ए बी प्लस पांच सी इसे तरह ही बाहरले पद नूं पहला पहले पद नाल गुणा फिर दूसरे पद नाल गुणा ए स्क्वायर गुणा दो ए बी प्लस दा निशान ए स्क्वायर गुणा पांच सी इसे तरह ही पहला अंक दो फिर ए स्क्वायर ते ए कीमत एक आधार बराबर है दो जमा एक तीन ए दा तीन ते चल भी प्लस पांच अगे ए स्क्वायर सी सो दो ए दी घात तीन जमा पांच ए स्क्वायर सी दैट इज द आंसर। सो हुण बच्चो इहदा सैकंड पार्ट है एक परी दी तीन परी नाल गुणा करनी तो सैकंड पार्ट है बेटा एक परी नूं तीन परी नाल गुणा करना गुणा करना तो बेटा ये भी एक पदी दो पदी तरह है उदाहरण नंबर पांच है व्यंजका नु सर्व करो अते निर्देश अनुसार मूल पता करो सवाल है एक्स ब्रैकेट शुरू एक्स माइनस तीन ब्रैकेट वन जमा दो एक्स बराबर एक मूल दे ले हल है तो इसे तरह बेटा ब्रैकेट दी भी खोल सकते हैं एक्स ना पहला पहले पद ना गुणा करनी फिर दूसरे पद ना एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस दा निशान एक्स गुणा तीन तीन एक्स जमा दो हुण असी एक्स बराबर एक दे लई मुल लिखना किन्ना है एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स जमा दो एक्स की कीमत एक फुट करनी एक की घात दो माइनस तीन गुणा एक जमा दो एक्स नो दो बार एक नो दो बार गुणा एक माइनस तीन जमा दो तीन माइनस तीन जी। नेक्स्ट एग्जांपल है छेवी उदाहरण छे इन्हें जोड़ो व्यंजक खंड पांच एम ब्रैक शुरू तीन माइनस एम अते छे एम स्क्वायर माइनस तेरा एम सो देखो बच्चे हल है पहला व्यंजक
5 एम ब्रैकेट शुरू 3 माइनस एम इसी तरह ही बाहरले पद नूं पहला पहले पद नाल गुणा फिर दूसरे पद नाल गुणा 5 एम गुणा 3 माइनस दा निशान 5 एम गुणा एम 5 नूं 3 नाल गुणा 15 एम माइनस 5 एम इंटू एम एम स्क्वायर इसी तरह ही दूसरा व्यंजक देखो वो हल है बिल्कुल दूसरा व्यंजक थोड़ा व्यंजकों को आप जोड़ना है सो जोड़न वेले आप देखते होंगे समान पद है समान पद लिखते होंगे जिमें कि 6 एम स्केयर है तो एम स्के माइनस 5 एम स्केयर नीचे लिखिए माइनस 13 एम 15 एम दे जोड़ बड़ी रकम 15 ते माइनस ना 13 है बड़ी रकम का निशान 2 है जमा दे 6 है माइनस दे 5 है जमा का निशान आना 1 एम स्केयर या एम स्केयर दैट इज द आंसर उदाहरण 6 का सैकंड पार्ट है 4y नूं 3y स्क्वायर जगह 5y जमा 7 नाल गुणा करो हल है 4y गुणा 3y स्क्वायर जमा 5y जमा 7 उसी तरह ही बच्चों बाहरले पद नूं पहला पहले पद नाल गुणा फिर दूसरे पद नाल गुणा फिर तीसरे पद नाल गुणा 4y गुणा 3y स्क्वायर जमा दा निशान है 4y गुणा 5y फिर जमा दा निशान है फिर 4y नूं 7 नाल गुणा इसे तरह 3 ते 4 दी गुणा 12 y इंटू y स्केयर y दी 3 जमा 4 ते 5 दी गुणा 20 y इंटू y आधार बराबर शक्तियां जुड़ियां गईयां y स्केयर जमा 4 ते 7 दी गुणा 28 y दैट इज द आंसर